बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को आप आसानी से अपने स्कूल के लैब में भी कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पास ये स्प्रिंग है, स्लिंगी जिसे हम कहते हैं, ये चालक तार की बनी हुई है। इस स्प्रिंग को यदि मैं विद्युत स्रोत से जोड़ूं और परिपथ पूर्ण हो तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि स्प्रिंग को हमने ऊर्ध्वाधर लटका दिया है इस स्टैंड की सहायता से, और इसके एक छोर को तो हमने विद्युत स्रोत से जोड़ा है। विद्युत स्रोत का जो दूसरा छोर आ रहा है तार की सहायता से, उसे हमने नीचे रखे इस बर्तन में पारे की सहायता से जोड़ने की कोशिश की है। पारा यानी कि लिक्विड धातु, जो कि चालक है, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। अब जब ये स्प्रिंग इस पारा में टच होगा, इससे कांटेक्ट में आएगा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जब टच नहीं होगा, इस पारा से अलग रहेगा, तो इस सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये सर्किट अपूर्ण होगा। अब हमने इस स्प्रिंग को इस पारे में डुबा दिया है। अब जैसे ही विद्युत स्रोत को मैं ऑन करूं, तो यहाँ सर्किट में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या, ये स्प्रिंग तो डांस कर रहा है, ऊपर और नीचे की ओर गति करना चालू कर दिया। हमने तो ये सोचा था कि स्प्रिंग से धारा प्रवाहित होगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि पारा चालक है और ये विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये स्प्रिंग तो डांस कर रहा है और ये लगातार डांस ही करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा होगा। या हम स्प्रिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार ये रिंग आपस में एक दूसरे के समांतर है, यानी स्प्रिंग के दो रिंग्स को हम देखें तो ये आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे और ये एक दूसरे के समांतर चालक की तरह कार्य कर रहे हैं, जिनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। और जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो ये चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी स्प्रिंग के प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो जो स्प्रिंग है ये सिकुड़ जाएगा, इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। और जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है तो इससे पारा के साथ जो संपर्क है वो टूट जाएगा, और जैसे ही पारा के साथ संपर्क टूट जाएगा, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगी, क्योंकि परिपथ भंग हो जाएगा। और फिर परिपथ भंग हो जाएगा तो फिर स्प्रिंग वापस फैल जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्यों सिकुड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे ही परिपथ भंग हो गया, फिर स्प्रिंग फैल जाएगा, जैसे ही ये पारा को टच करेगा फिर धारा प्रवाहित होगी, फिर स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लगातार कंप्रेशन एक्सपेंशन चलता ही रहेगा और ये स्प्रिंग लगातार ऐसे ही डांस करता रहेगा। इस पूरे सेटअप को हम रॉकेट सर्पिल प्रयोग के नाम से जानते हैं, रॉकेट स्पाइरल एक्सपेरिमेंट। और ये रॉकेट स्पाइरल एक्सपेरिमेंट का सेटअप आप आसानी से अपने स्कूल के लैब में लगा सकते हैं और ये डांसिंग स्प्रिंग आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दोनों चालकों में यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही होगी तो क्या होगा। जो दोनों चालकों में लगने वाला बल है उसका परिमाण तो वही होगा जो सूत्र अनुसार हमने निकाला, यानी कि F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 upon D। यह सूत्र इन दोनों चालकों की प्रति एकांक लंबाई में कार्य करने वाले बल का होगा। मान लीजिए ये दो समांतर चालक PQ और RS हैं। PQ में धारा की दिशा ऊपर की ओर है और RS में धारा की दिशा नीचे की ओर है। ये दोनों ही चालक इस बोर्ड तल पे हैं, आपकी कॉपी के कागज तल पे हैं। अब हम फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का इस्तेमाल करेंगे इसमें लगने वाले बल की दिशा को बताने के लिए। अब ये पहला वाला जो चालक है PQ, इसमें धारा ऊपर की ओर है। अब मैं PQ की ओर अपना अंगूठा रखूंगी, धारा ऊपर की ओर है, उंगलियों को जब मैं मोड़ूंगी तो इस RS चालक में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी इस बोर्ड के लंबवत, यानी आपके कॉपी के कागज तल में लंबवत नीचे की ओर, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान डाल देती हूँ। अब इस धारावाही चालक आर एस में धारा की दिशा नीचे की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लंबवत। इस पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के उल्टे हाथ के नियम से देंगे। तो इसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को स्ट्रेच कर लिए। अब धारा की दिशा मध्यमा के द्वारा दर्शाई जाती है, तो मैंने मध्यमा की दिशा से धारा की दिशा बताई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो मैंने अपने हाथ को मोड़ दिया। अंगूठा अब इस केस में बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि इस आर एस से दूर जा रहा है। इस प्रकार बल की दिशा होगी। अब हम पी क्यू पर लगने वाली बल की बात करते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, जो कि इस चालक तार आर एस के कारण होगी। आर एस में धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और धारा की दिशा की तरफ हम अपना अंगूठा रखेंगे। हम अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। यह अंगूठा रखें। अब हम उंगलियों को कर्ल करेंगे जब, तो पी क्यू पर हम देखेंगे बच्चों कि हमारी उंगलियां अंदर की ओर जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही हैं, और इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर भी मैं क्रॉस का निशान डाल देते हैं। अब इस पर बल कितना लगेगा? बल के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम धारा की दिशा में अपने मध्यमा को ले जाएंगे। मध्यमा ऊपर की ओर होगी, तर्जनी अंदर की ओर होगी क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था, और अंगूठा ये मेरी साइड आ रहा है, यानी कि इस पी क्यू से दूर जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें दोनों चालकों में बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी और एक दूसरे से अलग दूर जा रही होगी। पहले कंडीशन में भी बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत थी, लेकिन एक दूसरे की ओर थी, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे से दूर है। इसका मतलब इन दोनों चालकों के बीच में यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो यूँ कह सकते हैं, जब दो समांतर चालक एक ही तल में रखे गए हों और दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी, तो वहाँ आकर्षण होगा, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने से दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब इसी सूत्र के आधार पर हम एम्पियर की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। सूत्र है F इक्वल टू म्यू जीरो आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। यदि इसी सूत्र में आई वन और आई टू दोनों समान ले, यानी कि दोनों को एक एम्पियर लें और इनके बीच की दूरी हम एक मीटर लें, और इस सूत्र में मान रखने पर कैलकुलेशन करें, तो F बराबर होगा आई वन आई टू के जगह हमने वन लिख दिया और d के जगह भी 1 लिख दिया। म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई। अब इसे हल करने पर हमें मिलेगा f बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन अपॉन मीटर। और यहीं से हम एक एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। इसके आधार पर किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा का मान एक एम्पियर होगा यदि वो उसी के समांतर इकाई दूरी पर रखे गए चालक तार पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का बल आरोपित कर सके। अब बच्चों, हम इस चालक तार को एक आयताकार कुंडली के रूप में लेते हैं और इस आयताकार कुंडली को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब देखते हैं इस पर बल किस तरह कार्य कर रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हमने एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करी, उसकी दिशा देखी, फिर हम उसी आवेश को किसी चालक में गति करवाए, यानी कि हम धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने से लगने वाले बल की गणना किए, उसकी दिशा देखे। अब हम इसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे और इस चालक तार की कुंडली बना लेंगे, और इस कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर बल कितना होगा, इसकी दिशा कितनी होगी, ये ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नेट के दो ध्रुव
एन और एस की सहायता से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है जिसकी दिशा नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई धारावाही चालक रखो तो उस पर बल लगता है। यहां पर हम चालक के बदले एक आयताकार तांबे की फ्रेम लेते हैं। एक्चुअली ये तांबे की तार का बनाया हुआ आयताकार फ्रेम है जिसको एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाया जाता है। यदि हम एक सिंगल तार लेते हैं तो उसमें लगने वाला बल का मान बहुत ही कम होगा और बल के मान को बढ़ाने के लिए हमें धारा की मात्रा को या चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाना होगा। इसलिए हम यहाँ पर कई फेरों वाली तार ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने तार को आयताकार लूप में क्यों लिया है इसको हम आगे समझते हैं। मान लीजिए ये तांबे की आयताकार लूप है। हमने इस आयताकार लूप में एक भुजा को नीले रंग से तथा एक भुजा को गुलाबी रंग से बनाया है। एक भुजा को नीले रंग से तथा एक भुजा को गुलाबी रंग से प्रदर्शित करने का एक विशेष महत्व है। हम देखेंगे इन्हीं भुजाओं में लगने वाले बल के कारण यहाँ पर इस तांबे के आयताकार फ्रेम में घूर्णन गति उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस आयताकार लूप की चार भुजाएं हैं। दो भुजाओं को तो हमने बादामी रंग से दर्शाया हुआ है। अब इन पर लगने वाले बल का मान क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाते हैं, जिसमें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा बहने वाली धारा की दिशा और अंगूठा इस तार पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब इस आयताकार फ्रेम में, जिसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं, इसमें धारा इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। अब हम देखते हैं कि इस गुलाबी वाले तार में धारा जिसमें ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है उसमें बल की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए जब हम अपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बल की दिशा इस गुलाबी वाले तार में ऊपर की ओर होगी। जबकि हम इसी नियम के आधार पर इस नीले वाले तार पर बल की दिशा निकालने का प्रयास करें तो चूंकि मध्यमा की दिशा धारा को बता रहा है और धारा की दिशा हमारी ओर ही आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी के अनुसार दर्शाई जाएगी, तो इसके अनुसार यहाँ पर नीले वाले तार में लगने वाले बल की दिशा नीचे की ओर होगी। यदि आप अपने कॉपी में इस चित्र को बनाते हैं तो पिंक वाले तार में लगने वाले बल की दिशा आपके कॉपी के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, जबकि नीले वाले तार में बल की दिशा आपके कॉपी के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। यहाँ पर ये दो बल एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों ही बल एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है दोनों तार के लिए, बहने वाली धारा का मान भी एक समान है दोनों तार के लिए, और इसी कारण ही यहाँ पर दोनों तारों पर लगने वाले बल का मान भी एक समान होगा। और ये दोनों बराबर मान के बल जो एक दूसरे के विपरीत हैं, ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। और चूंकि इनकी क्रिया रेखा भी अलग है, एक ऊपर की ओर कार्य कर रहा है दूसरा नीचे की ओर, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये इस आर्मेचर में घूर्णन गति उत्पन्न करेंगे और इसके कारण ही आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगा। यदि हम इसको इस तरह से समझें कि हमारे पास मान लीजिए एक आयताकार तख्ती है जिसमें हम एक साइड से ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं और दूसरे साइड से इसे नीचे की ओर पकड़कर खींच रहे हैं, तो यह तख्ती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। ऐसे ही यह आर्मेचर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगा। यह आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया था, लेकिन इस बल युग्म के आघूर्ण के कारण इसमें जो घूर्णी गति उत्पन्न हुई है इसके कारण ये क्लॉकवाइज घूमते हुए अब
आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया। जब आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया था, तब इसकी दो बादामी भुजाओं में लगने वाले बल का मान शून्य था, क्योंकि बल का मान चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर थी, यानी कि कोण 0 डिग्री था और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए इन दोनों भुजाओं पर लगने वाले बल का मान भी शून्य था। जबकि गुलाबी और नीले रंग की तार में यदि हम देखें तो तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री था, इसलिए यहाँ पर अधिकतम बल कार्य करता है और ये दोनों बल युग्म ही आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर रोटेट करते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आ जाती है, उस समय हम इन बादामी भुजाओं की तरफ देखें तो इस पर भी बल कार्य करेगा, क्योंकि अब ये बादामी भुजाएं भी इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएंगी और इस समय इन दोनों भुजाओं पर भी बल कार्य करेगा, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के द्वारा देंगे। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम यदि इन भुजाओं में लगाएं तो इस ऊपर वाली भुजा में बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, आपकी कॉपी के कागज तल में ही ऊपर की ओर होगी, जबकि नीचे वाली भुजा में देखें तो इसकी दिशा आपके कॉपी के कागज तल में नीचे की ओर होगी। यहाँ पर भी ये दो बल कार्य कर रहे हैं, ये दोनों बल का मान भी बराबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, इन दोनों भुजाओं में लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बराबर है और इन दोनों भुजाओं के कोण भी बराबर है, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं पर लगने वाला बल बराबर होगा। ये दोनों बल विपरीत दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही क्रिया रेखा में कार्य करने के कारण एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और इन दोनों बलों के कारण कुल बल का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बल इन दोनों भुजाओं में लगते हुए भी कोई प्रभाव इस आर्मेचर पर नहीं डालेंगे, मतलब जो कुल प्रभाव है वो केवल गुलाबी वाले और नीले वाले भुजाओं पर लगने वाले बल के कारण ही होगा। अब जैसे ही आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र में आधा चक्कर काटकर आगे की ओर बढ़ता है, हम यहाँ पर देखते हैं गुलाबी वाले तार में धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, जबकि नीले वाले तार में धारा की दिशा अब नीचे की तरफ है, और धारा की इस दिशा के कारण अब हम इस तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम से, तो यह बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, जबकि नीले वाले तार में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बल की दिशा निकालें तो यह दिशा इस तार में नीचे की ओर होगी। यानी कि अब ये जो बल युग्म कार्य कर रहे हैं इस आर्मेचर में घूर्णी गति विपरीत दिशा में उत्पन्न करेंगे, यानी कि अब ये आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए यदि इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें कंटिन्यूअसली रोटेट करना है तो या तो हमें इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करना होगा, इस तार में बहने वाली धारा की दिशा को परिवर्तित करना होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करना इतना आसान नहीं होता, इसकी व्यवस्था थोड़ी कठिन हो जाती है, इसलिए हम इस तार में बहने वाली धारा की दिशा को रिवर्स कर देते हैं। और जब हम धारा की दिशा को रिवर्स करते हैं, यानी कि गुलाबी वाले तार में धारा की दिशा हमारी ओर होगी, जबकि नीले वाले तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी कि कागज तल में आपके ऊपर की ओर हुई, उस कंडीशन में फिर से यह आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, क्योंकि इस कंडीशन में पिंक वाली तार में लगने वाले बल की दिशा नीचे की तरफ होगी, जबकि नीले वाले तार में लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, और इस प्रकार यह आर्मेचर कंटिन्यूअसली इस चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करता जाएगा एक ही डायरेक्शन में। और यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है मोटर बनाने के लिए या फिर धारा मापी बनाने के लिए।
अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस आयताकार लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शा रहे हैं और इस आयताकार लूप को हम पी क्यू आर एस से दर्शा रहे हैं। मान लीजिए इस लूप की लंबाई पी क्यू बराबर आर एस बराबर एल है तथा लूप की चौड़ाई क्यू आर बराबर एस पी बराबर बी है। मान लीजिए इस पी क्यू आर एस में I धारा इस तीर के निशान की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही भुजा SP और QR पर लगने वाला बल एक ही रेखा में लूप के तल में विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। स्पष्ट है कि इन दोनों बलों का लूप के घूर्णन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारावाही भुजा PQ और RS इन दोनों भुजाओं पर लगने वाले बल के कारण ही इस आयताकार लूप में घूर्णी गति उत्पन्न होगी। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों भुजाओं पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, जिसे हम ILB द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों ही बल परिणाम में बराबर हैं तथा भिन्न भिन्न क्रियाओं रेखाओं में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः ये बल युग्म का निर्माण करेंगे जिससे लूप विक्षेपित हो जाएगा और इस बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म तथा इसके आघूर्ण को विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। अतः विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी। और इस चित्र अनुसार हम देखें, इस कुंडली के तल का इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण थीटा है, तो इस चित्र अनुसार देखें तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी PO होगी। तो हम लिख सकते हैं टाउ बराबर एक बल का परिमाण यानी कि ILB इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी यानी कि PO। अब इस त्रिभुज POS में देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर PO अपॉन SP और PO बराबर होगा SP इनटू साइन थीटा। SP बराबर B है तो हम लिखेंगे PO बराबर B साइन थीटा और यह मान समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा टाउ बराबर ILB इनटू B साइन थीटा, टाउ बराबर ILB साइन थीटा और यहां से L इनटू B देखें तो ये इस लूप की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है, तो यह लूप का क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है जिसे हम A से दर्शाते हैं, तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा होगा और यह बल आघूर्ण का व्यंजक है। हम जानते हैं कि टाउ यानी कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इस सूत्र को यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो ये होगा सदिश टाउ बराबर I इंटू सदिश A क्रॉस सदिश B। यहां इस सूत्र में साइन थीटा था इसलिए दोनों सदिशों के बीच में सदिश गुणन आएगा और यह बल आघूर्ण के लिए अभीष्ट व्यंजक है। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्मेचर में तांबे की तार के कई फेरे होते हैं। मान लीजिए इस लूप में फेरों की संख्या n हो तो लूप पर कुंडली में लगने वाला बल आघूर्ण n गुना बढ़ जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं टाउ बराबर NIAB साइन थीटा और सदिश रूप में लिखें तो सदिश टाउ बराबर NI सदिश A क्रॉस सदिश B। अब हम विशेष स्थितियां देखते हैं। यदि थीटा बराबर 0 हो, इसका अर्थ है जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, इस कंडीशन में हम साइन थीटा बराबर साइन 0 लिखेंगे जिसका मान 0 होता है और यहां पर टाउ बराबर भी 0 हो जाएगा। अतः जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान भी 0 हो जाता है और इस स्थिति को हम लूप की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। अब हम अगली स्थिति देखते हैं जहां थीटा बराबर 90 डिग्री हो। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो और इस स्थिति में टाउ बराबर NIAB साइन 90 होगा और यहां पर साइन 90 बराबर 1 होगा जो कि साइन का अधिकतम मान होता है, इसलिए टाउ बराबर NIAB लिखेंगे और यह बल आघूर्ण का अधिकतम मान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। बच्चों, एक धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है और एक चुंबकीय द्विध्रुव में बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर MB साइन थीटा, जहां M द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण होता है।
तो हम इस सूत्र से कंपेयर करें, जहां बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र हमने ज्ञात किया टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। इन दोनों सूत्रों को कंपेयर करें, क्योंकि दोनों सूत्र बल युग्म के आघूर्ण के लिए लिखे जाते हैं। तो यहाँ से एम बराबर होगा एन आई ए, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बराबर होगा एन आई ए, जहाँ एन इस कुंडली में फेरे की संख्या है, आई बहने वाली धारा है, और ए इस कुंडली से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर धारा का मात्रक और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। और चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र हम लिख सकते हैं एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो ए। बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम धारा मापी और मोटर जैसे उपकरण का निर्माण करते हैं। जब धारा मापी और मोटर जैसे उपकरण का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, क्योंकि इसी कंडीशन में ही, इसी स्थिति में ही बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। मोटर की संरचना और उसकी कार्य विधि के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम धारा मापी के प्रकार, उसकी संरचना तथा उसके कार्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, धारा मापी में दो मुख्य भाग होते हैं, एक फ्रेम यानी कि कुंडली और दूसरा चुंबक, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इन दोनों भागों में से कोई एक भाग स्थिर रहता है और दूसरा भाग गतिशील रहता है, और इसी के आधार पर धारा मापी को दो भागों में बांटा जाता है। एक चल चुंबक धारा मापी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र गतिशील रहता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम चुंबक लगाए जाते हैं वो रोटेट कर सकता है। ऐसे धारा मापी के उदाहरण हैं स्पर्शीय धारा मापी और हेल्महोल्ट्ज़ धारा मापी। पहले इन दोनों धारा मापी का कार्यविधि कंस्ट्रक्शन ये हमारे कोर्स में हुआ करता था, पर फिलहाल ये अब हमारे कोर्स में नहीं है। पर अभी भी आपको अपने स्कूलों के लैब में स्पर्शीय धारा मापी जरूर देखने को मिलेगी। ये स्पर्शीय धारा मापी कुछ इस प्रकार दिखता है, और ये हेल्महोल्ट्ज़ धारा मापी है। पाठ्यक्रम के अनुसार हम धारा मापी के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार का धारा मापी है चल कुंडली धारा मापी। नाम से स्पष्ट है यहाँ पर कुंडली गतिशील होगी और चुंबक स्थिर होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर स्थिर रहेगा और उस स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली गति कर सकती है। चल कुंडली धारा मापी के दो प्रकार हैं, एक निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा किलकित कुंडली धारा मापी। सबसे पहले हम निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना को देखते हैं। नाम से स्पष्ट है निलंबित कुंडली, यानी कि यहाँ पर कुंडली निलंबित होगी, लटकी हुई होगी, और यहाँ लटकाने के लिए हम स्पेशल तार का इस्तेमाल करते हैं। ये तार फॉस्फर ब्रॉन्ज की मिश्र धातु की बनी होती है। फॉस्फर ब्रॉन्ज की मिश्र धातु का इस्तेमाल इसके विशेष गुण के कारण किया जाता है। सबसे पहले तो फॉस्फर ब्रॉन्ज विद्युत का अच्छा चालक है, दूसरा इस पदार्थ की प्रत्यास्था अधिक होती है। प्रत्यास्था अधिक होने के कारण यदि इसमें कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है बल लगाने से, तो बल हटाने के बाद ये वापस अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इलास्टिक क्या होता है, जब हम लोग उसको खींचते हैं बल लगाते हैं तो उसका आकृति चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे बल हटाते हैं तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है, उसकी आकृति वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज की प्रत्यास्था अधिक होती है। तीसरा, इसकी ऐंठन दृढ़ता कम होती है, मतलब ये जो तार है एक्चुअली हम आगे इसकी कार्यविधि में देखेंगे ऐंठता है, तो इसकी ऐंठन दृढ़ता कम होती है, जिसके कारण जैसे ही बल युग्म हटाया जाता है तो वापस वो अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम इस विशेष मिश्र धातु की बनी हुई फॉस्फर ब्रॉन्ज की तार का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कुंडली होगी ये तांबे की बनी होती है, जो कि
किसी एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाई जाती है। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम आयताकार होता है और एल्यूमिनियम का फ्रेम हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम को एक नर्म लोहे की क्रोड पर रखा जाता है। नर्म लोहे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो आसानी से चुंबकित हो जाता है, और जब वो आसानी से चुंबकित होगा तो उससे अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए हम दो नाल चुंबकों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चुंबक अवतल आकृति के होते हैं जो कि बेलनाकार शेप में होंगे। यहाँ पर अवतल आकृति के चुंबकीय ध्रुवों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि इसकी सहायता से हम इस फ्रेम में, इस कुंडली में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र लगा सकें, यानी कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हर बार इस फ्रेम का तल और चुंबकीय क्षेत्र का तल एक दूसरे के समांतर रहे, जिससे कि अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न हो सके। साथ ही हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में, यानी कि इस तार में एक दर्पण लगा हुआ है और यहाँ पर लैंप पैमाने की व्यवस्था की जाती है। इस दर्पण पर प्रकाश डाला जाता है और ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन इस पैमाने पर देखा जाता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसके कारण इस कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और उसके कारण कि कुंडली डिफ्लेक्ट हो जाती है, घूर्णी गति करती है। जब ये कुंडली घूर्णी गति करेगी, चूँकि ये कुंडली तार से लटकी हुई है, तो इस तार में ऐठन उत्पन्न होगा, जिसके कारण इस दर्पण में भी चेंज आ जाएगा। और जब दर्पण में चेंज आएगा तो प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होकर इस दर्पण से जा रही थी, उस पैमाने को हम देखें तो उसकी स्थिति भी चेंज हो चुकी होगी। और इसी का अध्ययन करके हम इस निलंबित कुंडली धारा मापी का पाठ्यांक नोट करते हैं। इस कुंडली का एक छोर इस फॉस्फर ब्रॉन्ज की तार से जुड़ा हुआ है, जिसका एक छोर इस T1 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इस कुंडली का दूसरा छोर स्प्रिंग की सहायता से T2 से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है क्योंकि बल लगाने पर इसकी आकृति चेंज हो जाती है, लेकिन जब बल को हटाया जाए तो वापस स्प्रिंग अपने पोजीशन पर आ जाता है। इसलिए हमने कुंडली के एक छोर को स्प्रिंग SP से जोड़ दिया है। इस धारा मापी को जब हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो इसे T1 और T2 दोनों सिरों के सहायता से ही किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और धारा किसी भी एक सिरे, चाहे T1 हो चाहे T2 हो, वहाँ से होती हुई कुंडली से गुजरती हुई दूसरे सिरे तक पहुँच जाती है। और इस प्रकार धारा मापी किसी भी परिपथ में धारा की दिशा और उसका परिमाण दोनों का मापन कर सकता है। अब इस निलंबित कुंडली धारा मापी की सहायता से धारा का मापन किस प्रकार किया जाता है, इसका सूत्र ज्ञात करते हैं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये कुंडली बल युग्म के आघूर्ण के कारण घूर्णी गति करेगी। जब कुंडली घूर्णी गति करेगी तो इस तार में ऐठन उत्पन्न होगा, और इस तार में ऐठन उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर ऐठन बल आघूर्ण कार्य करेगा। ये ऐठन बल आघूर्ण इस कुंडली के बल युग्म के आघूर्ण का विरोध करेगा, क्योंकि ऐठ रहा है तो उसका विरोध कर रहा है। जब ये तार का ऐठन बल आघूर्ण इस कुंडली के बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, उस समय इस कुंडली में विक्षेप रुक जाएगा। मतलब ये कुंडली का विक्षेप इस तार के ऐठन के द्वारा ही रोका जाएगा। तो यूं कहें कि संतुलन की स्थिति में, जहां कुंडली अब रुक चुकी है, अब तार का ऐठन इस कुंडली के विक्षेप को संतुलित कर चुका है, उस कंडीशन में हम देखें तो ऐठन बल आघूर्ण बराबर कुंडली के विक्षेपल बल आघूर्ण के बराबर होगा।
मान लीजिए इस कुंडली का विक्षेप फाई है, तो ऐठन बल आघूर्ण बराबर हम लिखेंगे के फाई, जहां पर के इस तार की ऐठन दृढ़ता कहलाती है। यहां से ऐठन बल आघूर्ण हो जाएगा के फाई, और विक्षेपक बल आघूर्ण जैसा कि हमने सूत्र से ज्ञात किया था, यह होगा टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। यहां पर थीटा का मान 90 होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब भी हम धारामापी का निर्माण करते हैं तो वहां पर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यानी इस कुंडली का क्षेत्र सदिश इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, यानी कि 90 का कोण बनाता होगा। इसीलिए यहाँ पर हम साइन 90 लिखेंगे, और साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि यहाँ पर अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होगा, और वो होगा एन आई बी ए। तो हम एन आई बी ए बराबर लिखेंगे के फाई, यहाँ से आई बराबर होगा के अपॉन एन बी ए इंटू फाई। यहाँ हम देखें तो के यानी कि उस तार की ऐठन दृढ़ता, ये एक नियतांक है। एन कुंडली में फेरों की संख्या, वो भी नियत है। ए कुंडली का क्षेत्रफल, वो भी नियत है, और चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है। ये सारे नियतांकों को हम एक नए नियतांक से दर्शाएंगे, इसे हम लिखेंगे जी, जहाँ पर जी धारा मापी नियतांक यानी कि गैल्वनोमीटर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इस जी को हम दक्षता नियतांक भी कहते हैं, इंग्लिश में फिगर ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा जी फाई, जहाँ जी बराबर होगा के अपॉन एन ए बी। और यहाँ से हम देखें तो धारा का मान इस फाई के समानुपाती होगा, तो हम यूँ लिख सकते हैं आई समानुपाती है फाई के, यानी कि इस धारा मापी से बहने वाली धारा आई कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होती है। तो हम कुंडली का विक्षेप ज्ञात करेंगे तो धारा के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए हम लैंप पैमाने की व्यवस्था करते हैं। इस तार में जिसके द्वारा कुंडली निलंबित हुई थी, हमने एक दर्पण की व्यवस्था की थी। इस दर्पण में हम प्रकाश डालते हैं, और दर्पण में प्रकाश जब टकराती है तो वह परावर्तित होकर पैमाने पर पड़ती है। उस पैमाने का मान हम नोट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुंडली में विक्षेप होता है तो तार में भी ऐठन उत्पन्न होता है। तार में ऐठन उत्पन्न होगा तो ये आईना भी फाई कोण से विक्षेपित हो जाएगा, यानी कि घूम जाएगा। अब इस पर जो प्रकाश पड़ रहा था पहली अवस्था में, अब वो भी परावर्तित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब दर्पण थीटा कोण से विक्षेपित होता है तो उससे परावर्तित प्रकाश उससे दुगने कोण से विक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर जब हमने फाई कोण लिया है इस दर्पण के विक्षेप में, तो जो प्रकाश का विक्षेप होगा पैमाने में, वो टू फाई कोण से विक्षेपित हो जाएगा। मान लीजिए ये दर्पण इस पैमाने से डी दूरी पर स्थित है। अब ये दर्पण फाई कोण से विक्षेपित हुआ तो प्रकाश टू फाई कोण से विक्षेपित होगा। मान लीजिए प्रकाश चिन्ह में अंतर एक्स आया, तो हम चित्र बनाएंगे तो ये प्रकाश चिन्ह पहले इस चिन्ह पर रहा होगा, एक्स विस्थापन इस प्रकाश चिन्ह में हुआ, और ये विक्षेप कितना होगा टू फाई का। तो हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है जिसमें कि हम कोण देखें तो ये 2 फाई होगा। अब इसी चित्र से टैन 2 फाई निकालें, यानी कि हम इस कोण की स्पर्शिया लें, तो ये होगा लंब बटे आधार। तो टैन 2 फाई बराबर लिखेंगे एक्स बटे डी। चूंकि ये जो विस्थापन है ये बहुत कम होता है, ये यूं कहे ये जो विक्षेप था 2 फाई, इसका मान बहुत कम होता है। हम जानते हैं टैन 0 बराबर 0 होता है, मतलब कम कोण की स्पर्शिया लें तो वो उसी कोण के बराबर होती है। इसलिए टेन 2 फाई बराबर हम लिखेंगे 2 फाई। तो यहाँ से होगा 2 फाई बराबर एक्स अपॉन डी, और यहाँ से फाई बराबर होगा एक्स अपॉन 2 डी।
इस सूत्र से हम देखें तो विक्षेप फाई का मान एक्स पर निर्भर कर रहा है, यानी कि इस प्रकाश चिन्ह के विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, और धारा का मान निर्भर कर रहा था इस विक्षेप फाई पर। तो हम यूं कह सकते हैं आई का मान निर्भर करेगा प्रकाश चिन्ह के विस्थापन पर, या आई समानुपाती हो जाएगा एक्स के। और ये प्रकाश चिन्ह में विस्थापन को ही कैलकुलेट करके हम इस धारा मापी से बहने वाली धारा के मान का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये निलंबित कुंडली धारा मापी अत्यंत ही सुग्राही होता है। इसकी सहायता से 10^-6 एम्पियर की भी धारा का मापन किया जा सकता है। पर इस धारा मापी में दोष भी है। एक्चुअली यहां पर हमने देखा कि कुंडली को इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पतली तार की सहायता से लटकाया जाता है। ये पत्ती बहुत ही पतली होने के कारण इसके टूटने का डर हमेशा बना रहता है। और ये जो धारा मापी का सेटअप है, इसे हम किसी अचुंबकीय बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं और सामने लगा देते हैं कांच की दीवार, ताकि हम आसानी से प्रकाश चिन्ह में विस्थापन को नोट कर सकें। अब ये पूरा बॉक्स जो अचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ है, इसके नीचे हम लगाते हैं 3 लेवलिंग स्क्रू, क्योंकि इस उपकरण को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहला काम होता है इसका समायोजन करना। हम 3 लेवलिंग स्क्रू की सहायता से सबसे पहले इस उपकरण को क्षैतिज रखते हैं। अगर ये क्षैतिज नहीं हुआ तो जो विक्षेप हो रहा है कुंडली में, उसके आधार पर जो तार में ऐठन हो रहा है या तार में विक्षेप प्राप्त हो रहा है, वो सही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तल तिरछा हुआ, उसके कारण दर्पण में विक्षेप सही प्राप्त नहीं होगा। और यूं कहें जो प्रकाश किरण हम उस दर्पण में डाल रहे थे, उसका विक्षेप भी सही प्राप्त नहीं होगा। और जब उसका विस्थापन गलत हो जाएगा तो इस धारा मापी से बहने वाली धारा का मापन भी गलत हो जाएगा। और इस बॉक्स का समायोजन करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें स्पिरिट लेवल लाकर सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समायोजित करना पड़ता है। और दूसरा, जब इस उपकरण को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान शिफ्ट करना हो तो उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि जब हम उसके स्थान को चेंज करते हैं, किसी नए स्थान पर ले जाते हैं, तो फिर उसे समायोजित करना पड़ता है, उसके तल को समतल करना पड़ता है, और साथ ही बहुत सावधानी पूर्वक उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ताकि उसमें जो निलंबन तार है वह ना टूटे। अब बच्चों, ये सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी से हम क्या समझते हैं? सेंसिटिविटी का मतलब होता है किसी कारक के आधार पर उसे प्रतिक्रिया देना। यहाँ पर धारा मापी में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में विक्षेप होता है। तो एक सुग्राही धारा मापी वह होगा जिसमें अल्प धारा या अल्प वोल्टेज से अधिक विक्षेप प्राप्त हो। और इसी आधार पर हम धारा मापी की सुग्राहिता को 2 भागों में बांट सकते हैं, धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मतलब है इसमें विक्षेप धारा के आधार पर हो रहा है, मतलब एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप प्राप्त होता है उसे हम उसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो धारा सुग्राहिता SI बराबर सेंसिटिविटी है, इसलिए हम इसे S से दर्शा रहे हैं, और धारा सुग्राहिता है इसलिए हम यहाँ पर I लिखे हैं, बराबर होगा φ/I, जहाँ φ विक्षेप था और I बहने वाली धारा। I का मान हमने अभी सूत्र से निकाला, I बराबर kφ/NAB। ये मान इस सूत्र में रखने पर हमें SI बराबर मिलेगा NBA/K। वोल्टेज सुग्राहिता मतलब वोल्टेज के आधार पर विक्षेप की गणना करना, यानी कि अल्प वोल्टेज लगाने पर जो विक्षेप प्राप्त हो रहा है अत्यधिक, उसे हम कहेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। एकांक वोल्टेज के आधार पर जो विक्षेप प्राप्त होता है वो कहलाती है वोल्टेज सुग्राहिता। तो वोल्टेज सुग्राहिता SV बराबर होगी φ/V। और हम ओम के नियम के अनुसार जानते हैं किसी भी चालक तार के लिए V बराबर होता है IR, तो यहाँ पर IR लिख देंगे, SV बराबर होगा φ/IR। I का मान रखने पर मिलेगा SV बराबर
एन बी ए अपॉन के आर, और ये एन बी ए अपॉन के ये है एस आई यानी कि धारा सुग्राहिता, इसका मतलब एस वी बराबर होगा एस आई अपॉन आर, और ये संबंध है धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता के बीच में। अब अगर वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता का सूत्र देखें हम, तो यहाँ पर जो सुग्राहिता है किसी भी धारा मापी की, वो निर्भर करती है उस कुंडली में फेरों की संख्या पर, यानी कि सुग्राहिता बढ़ानी हो तो फेरों की संख्या कुंडली में अधिक करनी होगी। साथ ही ये निर्भर करती है कुंडली के क्षेत्रफल पर, यानी कि बड़ी कुंडली लोगे तो वो सुग्राही होगा और छोटी कुंडली लोगे तो उसकी सुग्राहिता कम हो जाएगी। साथ ही ये निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा तो इस धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होगी, यानी कि जो चुंबक हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होने चाहिए जिसके कारण स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके, और ये व्युत्क्रम अनुपाती है के यानी कि ऐठन दृढ़ता के। ऐठन दृढ़ता यदि कम होगी तो धारामापी सुग्राही होगा, और ऐठन दृढ़ता अधिक होगी तो धारामापी की सुग्राहिता कम होगी। इसलिए हमने यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज की तार ली थी, जिसकी खास बात थी कि उसकी ऐठन दृढ़ता का मान कम था।